मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंप अपनी पीड़ा से अवगत कराया। दरअसल मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट में अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कार्यालय में काम करने वाले छोटे कर्मचारियों ने बताया काम के बदले बहुत कम सैलरी मिल रही है, वहीं महंगाई आसमान छू रही है, जिससे गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। सरकार ने हम छोटे कर्मचारियों की ओर मानवीयता की दृष्टि से भी देख वेतन बढ़ाना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। आज यहाँ ज्ञापन किस बारे में दिया गया? आज ज्ञापन संबंध में है कि ये यहाँ जो बड़वानी में और प्रदेश स्तर पर जितने भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है अंशकालीन है, अंशकालीन को वेतन भुगतान नहीं किया। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जो है 2007 के पश्चात वालों को स्थायी कर्मी का लाभ नहीं दिया गया, और जो लोग स्थायी कर्मी हो चुके हैं करीबन उनको तकरीबन 4 साल 5 साल हो गए हैं, और शासन के आदेश इस संबंध में 2-2 बार निर्देश जारी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आज दिनांक तक उनको इसका लाभ नहीं दिया गया। कितने बार आवेदन दे चुके हैं? कई बार, मतलब ये है जैसे कि अभी पिछले साल ये कोविड के पहले पहले हमने जो है कि 3 बार 4 चरणों में आंदोलन किया था, तब भी ज्ञापन सौंपा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।